किस प्रकार से हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर हमारे नजरिए को इम्प्रूव कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। जब भी हम कोई चीज को देख रहे हैं तो शायद उसको देखने का जो हमारा तरीका है, देखने का जो हमारा नजरिया है, कहीं ना कहीं वो उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पास्ट में किसी भी चीज के बारे में क्या जानकारी मिली है, क्या इंफॉर्मेशन फीड की गई है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आप उसको कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू करेंगे, ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे या किसी को डिसरेस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक सुनिएगा ताकि आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल सके। तो ये कहानी है दो पेडेस्ट्रियल के बारे में। अगर पेडेस्ट्रियल का मतलब आप जानते हैं, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियल मीन्स होता है पैदल यात्री। तो बहुत गर्मी का दिन है, इट मीन्स इट इज अ वेरी स्क्रॉचिंग हॉट डे, और ये जो दो पैदल यात्री है ये पैदल चलते चलते कहीं जा रहे हैं। क्योंकि बहुत गर्मी है और पैदल चलते चलते इनको बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है, इसलिए ये रास्ते में एक पेड़ इनको दिखाई देता है और वहां पेड़ के पास रुकने का ये निश्चय करते हैं। तो उस पेड़ के नीचे रुककर वो आराम कर रहे होते हैं। जैसे वो पेड़ के नीचे सुस्ता रहे होते हैं तो उनकी नजर पेड़ के ऊपर जाती है, तो उनमें से एक राहगीर, एक पैदल यात्री ऐसा बोलता है कि पेड़ कितना अगली है। अगली मीन्स होता है कितना कुरूप है, कितना खराब है ये पेड़, जिसपे ना तो कोई फल फूल है और ना ही ये दिखने में भी बिल्कुल अच्छा दिखाई हमें दे रहा है। दूसरा पैदल यात्री भी इस बात से सहमत होता है और वो भी पेड़ के बारे में जो है क्रिटिसाइज करने लगता है, भला बुरा कहने लगता है। यहां जैसे ही ये क्रिटिसिज्म पेड़ सुनता है तो पेड़ में से एक आवाज आती है और कहता है कि जिस पेड़ की तुम बुराई कर रहे हो, जिस पेड़ के बारे में तुम भला बुरा कह रहे हो, तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए इस तपती गर्मी में, इन हॉट सन रेस से, इन जो गर्म किरणें हैं, तुमको कहीं ना कहीं मेरी शाखाएं और मेरा तना ही जो है आराम दे रहा है। अगर ये पेड़ नहीं होता तो तुम शायद अपनी थकान नहीं मिटा पाते। यू आर स्वेटिंग अ लॉट ऑलरेडी, तुम इतना तुम्हारे शरीर से पसीना आ रहा है कि तुम्हें रुककर आराम करना पड़ रहा है, और अगर मैं यहां नहीं होता तो शायद तुम बिल्कुल भी आराम करने का सोच नहीं पाते। इन दोनों ही राहगीरों को कहीं ना कहीं अपनी जो स्टेप है, अपना जो क्रिटिसिज्म है, उसके लिए बहुत शर्मिंदा महसूस होता है और वो पेड़ से ना सिर्फ क्षमा मांगते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि आज के बाद हम दुनिया में जो भी चीज निर्माण की गई है भगवान के द्वारा, वॉट एवर इज द क्रिएशन ऑफ द गॉड, वी विल नेवर डिसरेस्पेक्ट, वी विल वेनरेट एंड वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट। अगर हम दुनिया में हर एक क्रिएशन के पीछे का बेसिक रीजन समझे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मस्कीटोस, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मस्कीटोस मीन्स मच्छर जो है इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि काफी सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं, मीन्स काफी सारे ऐसे जीव हैं जिन जीवों का भोजन ही सिर्फ और सिर्फ मच्छर है, और अगर ये मच्छर ना हो तो शायद वो जीव जो है उनको भोजन ही कम मिलेगा। मीन्स अगर मान लीजिए हमें ऐसा सोचे कि दुनिया में राइस नहीं है तो लोग भूखे तो नहीं मरेंगे, लेकिन काफी सारे लोगों का जो भोजन है वो कम हो जाएगा, बिकॉज लॉट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द राइस, बट राइस इज नॉट ओनली द फूड, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल, बट राइस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन लॉट ऑफ पीपल्स डाइट। सिमिलरली मस्कीटोज ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेनी क्रीचर्स फूड सिस्टम, मीन्स बहुत सारे जो जीव हैं उनका भोजन ही सिर्फ मच्छर है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर एक जो क्रिएशन है गॉड का इस इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस रखता है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी क्रिएशन ऑफ द गॉड, डेफिनेटली वी विल वैल्यू इट, वी विल रेस्पेक्ट इट। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कुछ चीजें जो है वो यूजलेस है, कुछ चीजें बेकार है, और इसीलिए हम उसको डिसरेस्पेक्ट करने लगते हैं। So somewhere we must understand these all things are created by the Almighty, by the God. And if we somewhere dislike, if we somewhere disrespect, so somewhere we are avoiding the creation of the God. So I believe इस कहानी के माध्यम से कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाए होंगे कि दुनिया में हर एक क्रिएशन की एक इंपॉर्टेंस होती है,
एक बेसिक पर्पस होता है, लेकिन हमें जब तक वो बेसिक पर्पस नहीं पता है तो शायद उस चीज को हम ज्यादा वैल्यू ना दें, ज्यादा रेस्पेक्ट ना दें। देयरफॉर जस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दैट क्रिएशन एंड गिव द फुल रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू दैट क्रिएशन एज वेल। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड को जरूर शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।